मोदी पहुंच चुके हैं अपना वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए। सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह यहां मौजूद हैं, उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब आगे की तरफ बढ़ते हुए मतदान करने के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब राजभवन से रवाना हुए थे मतदान के लिए, और अब वहां पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ ही देर बाद अपना मतदान वो करेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर। लोगों में काफी उत्साह उनकी झलक पाने के लिए, और हाथ हिलाकर उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं मतदान केंद्र की तरफ, मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी दुरुस्त की गई है, और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार लोगों से अपील करते आए हैं कि अपने जो वो मतदान ज़रूर करें, और उसी श्रेणी में अगर देखा जाए तो अपना मतदान करने के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और उसी प्रक्रिया में अपना अहम योगदान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं उनके, धीरे धीरे मतदान केंद्र की तरफ आगे बढ़ते हुए। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां से मतदाता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां मतदान केंद्र की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं यहां पर। और इससे पहले हमने देखा था एक्स पर एक संदेश भी उन्होंने साझा किया था, अपील की थी कि जो भी मतदाता हैं तीसरे चरण के वो अपना वोट ज़रूर डालें, मतदान ज़रूर करें। और जो कहा वो करके दिखाया। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक अलग ही उत्साह अहमदाबाद में फिलहाल यहां नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। जो आवाजें हैं वो आप सुन सकते हैं सीधे तौर पर। गुजरात की अगर बात की जाए, सूरत को छोड़कर सभी 25 सीटों पर आज मतदान यहां हो रहा है, और क्योंकि प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद से मतदाता हैं तो मतदान करने पहुंचे हैं, और उससे पहले यहां लोगों से मिलते हुए जो लोग यहां पहुंचे हैं उनको देखने के लिए, ना सिर्फ उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बल्कि इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री तस्वीर पर उन्होंने अपना ऑटोग्राफ भी दिया। आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल मतदान केंद्र की तरफ लगातार आगे बढ़ते हुए यहां भी आप देख सकते हैं उनको देखने के लिए काफ़ी भीड़ जो है
वो नजर आ रही है सड़कों के दोनों तरफ। लेकिन इस मतदान केंद्र पर क्योंकि ये प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। और अब से कुछ देर बाद वो भी मतदान करेंगे। सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से आप तो देख पा रहे हैं। मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान एक छोटी बच्ची से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मतदान केंद्र में अंदर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। लोकतंत्र का महापर्व और उसका जो तीसरा चरण, गुजरात की अगर हम बात करें तो सूरत को छोड़कर बाकी 25 सीटों पर मतदान होना है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है अहमदाबाद से मतदाता हैं। तो बतौर मतदाता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतदान करने पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से आम जन मतदान केंद्र में बूथ पर आगे पहुंचता है उसी तरीके से मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर। जो प्रक्रिया है मतदान की आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए वोटर स्लिप जो है उसकी जांच की जाती है, देखा जाता है जो उसमें नंबर है, उसके बाद अलग अलग चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। ये मतदान की प्रक्रिया, और अब ये तस्वीरें काफी अहम, ये तस्वीर मतदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोन करो ना, लेता नहीं, नहीं बोलते कुछ।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने मतदान किया उसके बाद बाहर आकर आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको देखने के लिए उनका ऑटोग्राफ यहाँ लेते हुए नज़र आ रहे हैं और हमेशा जनता के बीच काफ़ी हम कह सकते हैं प्रसन्न नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। फिलहाल मतदान उन्होंने किया उसके बाद जब बाहर आए संकेत भी दिया कि कैसे जो मतदान है वो ज़रूरी है और उस वहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कैसे उनके पास पहुँचे और साथ ही साथ जो मतदान किया है उसके बाद निशान को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जो लोग यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जो हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल मतदान केंद्र से आगे की ओर अब बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया और साथ ही जो लोग उन्हें यहाँ देखने के लिए पहुंचे थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए।
मतदान प्रक्रिया है वो तीसरे चरण के लिए हम कह सकते हैं कि शुरू है, और उसी में जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतदान उन्होंने किया अब से कुछ देर पहले, और उसके बाद इस मतदान केंद्र से प्रस्थान करते हुए आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो कुल 93 सीटों पर जो मतदान है वो जारी है, और खासतौर से अहमदाबाद की जो तस्वीरें हैं वो आप अभी देख पा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। अहमदाबाद में इस मतदान केंद्र पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और उसके बाद मतदान के निशान को भी दिखाते हुए नजर आए। फिलहाल अब इस बूथ से, इस केंद्र से आगे की ओर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं गांधीनगर सीट से, और उस न सिर्फ गांधीनगर बल्कि गुजरात की जो अगर हम बात करें 25 सीटों की जिन पर आज मतदान जारी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो कुल 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिनकी कुल 93 सीटों पर मतदान चल रहा है। और फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदान के बाद यहां से आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो लोग यहां मौजूद हैं उनसे भी लगातार मिल रहे हैं, ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले ही काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ जुटने शुरू हो गए थे। गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है, मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब
तीन सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, चार मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात मां लोकतंत्रों उत्सव है। आनंदी बात ये है कि पहला बे चरण में जो मतदान थयुं छे हूँ इलेक्शन कमीशन ने पण अभिनंदन आपीश, देशना सुरक्षा बलों ने पण अभिनंदन आपीश, अने चूंटणी नी व्यवस्था में जोड़ायेला वहीवटी अधिकारी ने पण अभिनंदन आपीश कि पहला बे चरण में क्या नहिवत हिंसानी घटना ध्यान में आई है। अदरवाइज आपने खबर थे कि पहला चूंटणी में हिंसा नो दौर चालतो हतो, आ वक्त इलेक्शन कमीशन की अनेक व्यवस्थाओ। हूँ इलेक्शन कमीशन एटला माटे पण अभिनंदन करू छू कि हमने पूरू इलेक्शन कैम्पेन वोटर फ्रेंडली मैनेजमेंट में एमने ध्यान केन्द्रित करी छे। इवन आजे पण मैं एमनी एक घड़ियाळ जोई, जे घड़ियाळ मतदार ने लगातार एलर्ट करे छे कि तमारुं मतदान थयुं, अने बधाना मोबाइल पर एक घड़ियाळ अवेलेबल छे। तो इलेक्शन कमीशने पण टेक्नोलॉजीनो भरपूर उपयोग कर्यो छे। अने हूँ तो मीडियाना मित्रोने पण कहीश के हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं, और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास, और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और साथ ही यहां जो लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें देखने के लिए, उनको ऑटोग्राफ भी देते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सड़क के दोनों छोर पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश यही दिया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मतदान है वो करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और साथ ही कहा कि भारत की जो चुनावी प्रणाली है उस पर रिसर्च की जानी चाहिए। कई दूसरे देशों के जो मेहमान हैं वो पहुंचे हुए हैं इस लोकतंत्र के महोत्सव को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, पर्व है, उसको उसी तरीके से हमें मनाना चाहिए। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से, जहां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मतदान करने के बाद। पीएम ने कहा कि मतदान कोई सामान्य दान नहीं है, इसकी महत्ता अलग है और हर एक मतदाता को समझनी चाहिए, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मतदान है वो करना चाहिए। इस दौरान वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मिलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोग अपने घर के छज्जों से खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज के मतदान की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ, वो ऊर्जा जो यहाँ हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री में, किस तरीके से ऊर्जा से लबरेज और साथ ही साथ दूसरे मतदाताओं को भी जागरूक करते हुए वहाँ जो लोग पहुँचे हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, कुछ देर पहले मतदान किया, उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए और साथ ही पत्रकारों को भी कहा कि अपना ध्यान रखें, गर्मी बहुत है, पानी ज़रूर पीते रहें, लेकिन मतदान जो है मतदाता वो ज़रूर करें। आज भी प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां हैं जिस पर वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मतदान उन्होंने किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और लोग ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि इमारतों में आप देख सकते हैं कहां कहां नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए। से कुछ देर बाद यहां से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल अहमदाबाद में जो लोग हैं, जनता, वो काफी उत्साहित उन्हें देखकर, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफी मुश्किल सभी से मिलना, लेकिन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और लगातार उनसे मतदान की अपील करते हुए भी। महिलाएं, बच्चे, युवा, हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनकी एक झलक देखना चाहता है।
प्रधानमंत्री की कोशिश भी यही कि किसी को निराश ना किया जाए, और हम देख पा रहे हैं किस तरीके से अलग जगह रुककर वो ऑटोग्राफ भी देते नज़र आ रहे हैं। कई बच्चे हैं जो उनकी अलग अलग तस्वीरें बनाकर लाए हैं, उन पर ऑटोग्राफ देते हुए, उनसे नाम पूछते हुए उनके। सीधा जनता से जो जुड़ाव है वो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं हर एक आयु वर्ग की अगर बात की जाए, युवा हो, बच्चे हो। उस बच्ची के हाथ पर भी उन्होंने लिख रहे हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो नारे यहां पर लग रहे हैं। महिलाएं, छोटे बच्चे, युवा, हर कोई उन्हें देखने के लिए ललायत। फिलहाल एक छोटे बच्चे से यहां मिलते हुए देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि क्यों परिवारजन जब कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी परिवार का मुखिया जब अपने लोगों के बीच पहुंचते हैं, परिवारजनों के बीच पहुंचते हैं, तो उसी तरीके से उनसे बातचीत करते हुए, मिलते हुए, छोटे बच्चे को उन्होंने अभी गोद में लिया। इसी वजह से लगातार एक लोकप्रियता जो है वो नज़र आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, जनता से, अपने परिवारजनों से एक अहम जुड़ाव जिसको लगातार मजबूती, हम कह सकते हैं मजबूती मिलती हुई नज़र आ रही है। और आज अब जब वो पहुंचे हैं अहमदाबाद में, उन्होंने अपना मतदान किया, उस मतदान केंद्र के बाद बाहर आकर लगातार लोगों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, भारी संख्या में लोग यहां आप देख सकते हैं किस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको देखने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि पैदल चलकर ही सभी से कोशिश करते हुए, कनेक्ट करते हुए। सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से, जहां अब प्रधानमंत्री रवाना होंगे अपने आगे आज की जो उनकी दिनचर्या है उसके लिए। अलग अलग चुनाव प्रचार में वो भाग लेंगे। आज के दिन में अलग